आइए हम लोग आज की क्लास में इस तरह से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग एस ब्लॉक पी ब्लॉक, ये वाला एरिया है। केमिकल बॉन्डिंग के साथ एस ब्लॉक कंप्लीट कवर होगा, इसमें पी ब्लॉक भी कवर होगा। और स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक में पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं आयोनिक बॉन्ड, और टॉपिक कंप्लीट भी है हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये सब कंप्लीट। अभी कोवेलेंट बॉन्ड से स्टार्ट। सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड को अगर हम समझते हैं, समझना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर सर दो एटम है, दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये पुराना थियरी है, लोग ऐसे पहले बोलते थे, लेकिन अब केमिकल बॉन्डिंग की जो नई थियरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थियरी, जो आपको पढ़ना है। अब ये वैलेंस बॉन्ड थियरी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही बात करता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन तब होता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल वेव्स, ध्यान से देखिएगा, टू एटॉमिक ऑर्बिटल वेव्स गेट कंबाइंड इन सेम फेज हैविंग अपोजिटली स्पिनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इसमें बहुत सारी चीजें हैं, डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें हम देखिए रेड पेन से एक एक करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहां देखिएगा, टू एटॉमिक ऑर्बिटल वेव्स, फिर सेम फेज, क्योंकि वेव है तो वेव का कॉम्बिनेशन फेज के हिसाब से होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव वो फेज से डिसाइड होगा, तो दोनों सेम फेज होने चाहिए और अपोजिटली स्पिनिंग होने चाहिए। उसमें जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपोजिट स्पिन के और अनपेयर्ड होने चाहिए। देखिएगा अच्छे से, अब हम इसको डायग्राम में थोड़ा सा समझा रहे हैं। ये देखिए, एक ए का ऑर्बिटल, एक बी का ऑर्बिटल, अब सेम फेज, अपोजिट स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पॉइंट को देखिए, क्या क्या पॉइंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल वेव, सेम फेज, अपोजिट स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इतने सारे चीजें। तो देखो, सेम फेज प्लस प्लस ऑर्बिटल का फेज, वेव का फेज, साइन, अपोजिट स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बॉन्ड बनेगा ए बी। लेकिन अगर बेटा मान ले कि ये केस हम ले लें, और इसमें भी सेम ले लिए, अब बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाएगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। दोनों में जो लिए हैं वो हम सेम फेज ले लिए, अपोजिट फेज नहीं लिए। ओ सॉरी सॉरी, स्पिन अपोजिट नहीं, अपोजिट स्पिन नहीं, सेम फेज है सर, अपोजिट स्पिन नहीं है इसमें। यस सर, यस। अब सेम लिए ना, एक मिनट, फेज तो सेम ही था, सेम फेज बट सेम स्पिन, इसीलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर आइए अगला केस, अब होगा बॉन्ड फॉर्मेशन याद नहीं, नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा, डिफरेंट फेज है, नहीं होगा सर, इस बार अपोजिट फेज है। यस सर, अपोजिट फेज है, यस सर। फिर बेटा नो बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर एक नया केस लेते हैं, जरा देखिएगा। नहीं होगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा, अपोजिट फेज होने की वजह से और सेम साइड होने की वजह से
सेम स्पिन होने की वजह से अपोजिट फेज एंड अपोजिट फेज देखिएगा नहीं होगा नहीं होगा सर नहीं होगा बॉन्ड फॉर्मेशन बेटा ऐसे केसेस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है यदि एक के पास पेयर्ड हो और एक के पास नहीं हो तो ऐसे केसेस में कोऑर्डिनेट बनता है एक के पास पेयर्ड ऑर्बिटल हो और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो तब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कोऑर्डिनेट बनेगा इस बॉन्ड को अब हम समझाते हैं यहां तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो एक बार पूछिए फिर हम आगे बढ़ेंगे आइए अब हम लोग उस पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा क्लियर करना है देख लेते हैं ये एक ऑर्बिटल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जरा समझोगे इसके पास दो इलेक्ट्रॉन था और इसके पास सेम फेज में खाली है ये पेयर्ड ऑर्बिटल है और बताइए वैकेंट ऑर्बिटल है तो इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है देखिए किस तरीके से होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन सेम अभी भी दो इलेक्ट्रॉन थी यही शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अभी भी बट बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन कंट्रीब्यूटेड बाय अ सिंगल एटम ये जो बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक सिंगल एटम के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया दिया गया कंट्रीब्यूशन देना योगदान तो इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन का योगदान है दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन वो एक सिंगल एटम के द्वारा दिया गया है जबकि बात क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन दो है शेयरिंग का दो है आप इसको ध्यान से देखिएगा ऐसे भी लिख सकते हैं कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मान लीजिए ए के पास जो दो था ए ने एक लूज किया तो ए पर प्लस आया और बी ने एक गेन किया माइनस आया ध्यान से ए ने एक लूज किया तो प्लस आया अब बी ने गेन किया उस लूज किए हुए तो ये माइनस आया अब ये शेयरिंग हो गया दो इलेक्ट्रॉन तो आप इसको किस तरीके से लिख दिए ए पर प्लस बी पर माइनस ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही मतलब आप क्या देखिए इस तरह से ए कोऑर्डिनेट बी को आप कभी भी चाहे तो तोड़ सकते हैं इस फेज में ए पर प्लस बी पर माइनस समझ में आ गया होगा उम्मीद है यस नो बोलिए सर यही सोच के हम लोग नहीं बोले कि बॉन्ड बनेगा सर मुझे लगा आयनिक बनेगा समझ में आ गया बॉन्ड क्लियर होने चाहिए यस सर देख बेटा ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है अच्छे से समझ लो चीजों को बहुत अच्छी चीज है हम क्लियर कर देते हैं लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में बराबर गड़बड़ाते हैं ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये रिप्रेजेंटेशन कब वैलिड है आप इस तरीके से सिर्फ तब दिखा सकते हो रिप्रेजेंटेशन इज वैलिड ओनली व्हेन बी हैविंग वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल
एटॉमिक मत लिखिए, वैकेंट ऑर्बिटल लिखिए, क्योंकि हायर लेवल पर कभी कभी मॉलिक्यूलर आ जाता है। तो बेटा ये वाला रिप्रेजेंटेशन सिर्फ तब लगा सकते हो जब सामने वाले के पास वैकेंट है, बी के पास वैकेंट है। और ये कब लगाओगे, ये रिप्रेजेंटेशन से कब दिखाओगे, जब बी के पास वैकेंट नहीं। ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन इज वैलिड और मोर प्रिसाइज, ज्यादा सुटेबल है कब, व्हेन बी हैविंग नो एनी वैकेंट ऑर्बिटल। यदि बी के पास वैकेंट नहीं हो तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन दिखाइए। हम आपको इस चीज को बहुत अच्छे एग्जांपल से क्लियर करने वाले हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल, ये बहुत अलग तरह की चीज है, अक्सर लोग गलत करते हैं इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने में, जब मन ये दिखा देंगे कभी ये दिखा देंगे, ऐसा नहीं है। इसको कहां पे दिखाना है वो भी आपको डिसाइड करना है, इसको कहां दिखाना है वो डिसाइड करना होगा, हम करके दिखाते हैं। एनीवे, तो यदि हम लोग ये डिस पढ़ रहे थे, इस बात को हम लोग देख रहे थे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ऑर्बिटल हो, सिंगल फेज में हो, ठीक है। लेकिन हमने ये भी साथ में बोला कि अगर एक के पास पेयर्ड है और दूसरे के पास वैकेंट है तब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इस केस में बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग अभी भी दो इलेक्ट्रॉन की, इसको सिंबल ऐसे देते हैं, शेयरिंग अभी भी दो इलेक्ट्रॉन की, बट बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ शेयरिंग हैव बीन कंट्रीब्यूटेड बाय सिंगल एटम। दो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग का है दोनों का दोनों एक सिंगल एटम के द्वारा ही है। फिर हमने बोला कि आप इस ए कोऑर्डिनेट बी को आप इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं, देखिए कैसे, ए एक लूज कर दिया तो इस पर प्लस आ गया, अब एक बचा और वो लूज किया हुआ बी ने गेन किया तो इस पर एक माइनस आया, तो ए पर प्लस और बी पर माइनस, फिर एक नॉर्मल बॉन्ड बना, तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ और ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। ये कब दिखाएंगे रिप्रेजेंटेशन, जब बी के पास वैकेंट हो। लेकिन बेटा जब बी के पास वैकेंट नहीं हो तब आप ये रिप्रेजेंटेशन में दिखा करके ये दिखाएंगे। एक एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं, तब तक कुछ भी अगर डाउट है देख लीजिए। देखिए एग्जांपल के तौर पर हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पहले हम समझें फिर आगे बढ़ेंगे। NH3BF3 एक कंपाउंड है, अच्छे से समझा जाए। NH3 के पास पेयर है, BF3 बोरोन के पास चार ऑर्बिटल होंगे, 2s का और 3 2p का, तो चार में अभी भी एक वैकेंट होगा इसलिए कोऑर्डिनेट की। आप इसको ऐसे दिखा दिए NH3 कोऑर्डिनेट BF3, समझते जाइएगा एग्जांपल। दूसरा एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको, NH4+। साइन को इस्तेमाल करना सीखिए धीरे धीरे, अभी बहुत सारे एग्जांपल आने वाले हैं। NH4+ NH3 कोऑर्डिनेट किए किसको, H+ को। आप ये वाला पहले आप ये चेक कीजिए कि हम ये कोऑर्डिनेट दिखा सकते हैं कि नहीं, तो H+ के पास वैकेंट है या नहीं है? अब हम कोऑर्डिनेट को तोड़ते हैं प्लस माइनस, तो जो दे रहा था उस पर प्लस लिया और जो ले रहा था वो माइनस, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया और चार बॉन्ड इधर भी था। अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा, ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन, ये देख के अगर कोई आपको बोले चार बॉन्ड है ABCD तो कोई भी बोलेगा कि सर ए बराबर नहीं है और BCD बराबर, तो आप बोलेंगे नहीं गलत है। यदि इस स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट कीजिएगा तो साफ पता चल रहा है, देखो ना चारों क्या सेम नहीं है? यस सर सेम है, सेम है, सेम है सर। तो एक स्ट्रक्चर में
प्लस चार्ज है H पर और एक स्ट्रक्चर पर प्लस चार्ज है N पर, इसीलिए बेटा जब ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाओगे तो प्लस चार्ज ओवरऑल मॉलिक्यूल पे। सो NH4 प्लस शुड बी बेस रिप्रेजेंटेड H, कैसे दिखाना चाहिए, कोशिश कीजिए कि मॉलिक्यूल पे प्लस माइनस दिखाए, पूरे मॉलिक्यूल पे दिखाए। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज H पे भी है N पे भी है, इस स्ट्रक्चर में H पर है, इस स्ट्रक्चर में N पर। फिर एक एग्जांपल लेते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। BF4 माइनस, फिर देखिए कैसे होगा, बोरॉन के पास तीन ही और बॉन्ड है बनाने के लिए, क्योंकि बोरॉन के पास तीन वैलेंस है, लेकिन एक तो वैकेंट टू भी है इसके पास ही, चार और वाइटल है, तो चार में आप तीन से बॉन्ड बनाए खाली है, एफ माइनस के पास चार पेयर होगा, सात एक आठ, तो इसका एक क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट है इसके पास पेयर और वाइटल, तो देयरफॉर किस तरह से होगा जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, फिर ये किस में कन्वर्ट करेगा, देने वाले पर प्लस तो प्लस माइनस न्यूट्रल, लेने वाले पर माइनस बोरॉन पे, क्या देखे फिर से आप, एक स्ट्रक्चर में प्लस चार्ज है पर एक माइनस चार्ज, और एक में माइनस चार्ज है बी पर, तो बोलो ना कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, फिर ओवरऑल मॉलिक्यूल, ओवरऑल मॉलिक्यूल तो वैसे नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस समय में क्या बना है, तो आप BF4 के मैंने केस में दोनों वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड खींच सकते हैं, F4 प्लस में दोनों, कोई ऐसा सिचुएशन लाते हैं जिसमें दोनों नहीं खींच सकते, अगले एग्जांपल में किसी को यहां तक डाउट है तो प्लीज पूछिए, प्लीज रेज योर डाउट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इस तरीके से दो जो फ्रेम है, दो जो स्ट्रक्चर है, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों अप्लाइड न हो, ठीक से देखा जाए, N2 ऑक्टेट रूल आप जानते हैं कि कोई भी एटम चाहता है कि वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करें, सामान्य तौर पे हम देखें स्टूडेंट्स को वो N ट्रिपल बॉन्ड N बना लिए, अब यहां पे देखते हैं कि O को वो कोऑर्डिनेट कर देते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बराबर देखने को मिलता है, बहुत काम की चीज बता रहे, अच्छे से समझिए, ये स्ट्रक्चर गेट्स यूज्ड फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा इसको लोग इस्तेमाल करते हैं इस स्ट्रक्चर को, आइए इस स्ट्रक्चर में हम पहली बात समझें, ऑक्सीजन 8 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4, तो ये वैलेंस सेल है 2s2 पेयर है और 2p4 एक दो तीन एक चार, ये दो अनपेयर्ड, सवाल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, जो टोटल वैलेंस है 6 इलेक्ट्रॉन, आप क्या कर दिए इस स्ट्रक्चर में जरा देखिए, एक पेयर दो पेयर तीन पेयर, हमारा सवाल है आप इसको पेयर कैसे कर दिए, नहीं समझे, पहला सवाल है मेरा आप इसको पेयर कहा कैसे कर दिए, हाउ डज पेयरिंग अकर, कैसे हो गए, जो भी ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया उससे पूछिए ये पेयर किए कैसे, यहां तो अनपेयर्ड था दो इलेक्ट्रॉन को, आप 6 तो ठीक है लिए पेयर कैसे कर दिए, क्या समझ में आ रहा है हम आपसे क्या बोल रहे हैं, ये तो आप हुक्स रूल ना ब्रेक कर दिए जी, आप जबरदस्ती का यहाँ पेयर कर रहे हैं, पेयर यहाँ कैसे हो जाएगा, किस हिसाब से हो जाएगा,
प्लस इसके बाद एक सवाल और, क्या ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट है? नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है सर, नो सर। वैकेंट है नहीं? एनी वैकेंट और तो कैसे पढ़ने का आप करें? तो क्या ये स्ट्रक्चर सही हुआ? हम आपसे क्या बोले, जब आपके पास वैकेंट ना हो तब आप दूसरे स्ट्रक्चर को ट्राई कीजिए, N2O। जरा बताइए ना कौन सा गैस बोलते थे? लाफिंग गैस सर, लाफिंग गैस सर, लाफिंग गैस सर। कोई है जो एक दो प्रॉपर्टी इसकी बता सके? सर पॉइजनस होता है सर, सर पॉइजनस होता है सर, पॉइजनस होता है सर। और कोई प्रॉपर्टी सर? बेहोश करने में भी यूज होता है सर। हाँ ठीक है, वो भी सही है, एनेस्थेटिक है। और सॉलिबिलिटी वगैरह, डेंसिटी वगैरह में कुछ आइडिया कि नहीं? को न्यूट्रल होता है सर, बटर में सोल, हॉट बटर में सोल्युबल होता है, कोल्ड बटर में नहीं। और कोई आइडिया किसी को? कलरलेस भी होता है सर, कलरलेस सर भारी होता है, हेवियर देन जिसका डेंसिटी एयर से ज्यादा होता है। हां गुड, हेवियर देन एयर, वेरी गुड। और कलरलेस भी होता है सर? क्या होता है? कलरलेस। बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस को बराबर देखते रहा कीजिए, वो सब काम आते रहता है। एनीवे आइए N2O बात करते हैं। तो अब हम लोग जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपका स्ट्रक्चर एक बार में नहीं सीखेगा, धीरे 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 छोटी छोटी चीजें जुड़ती जाएंगी, तो बड़ा रूप में हम लोग अभी इनिशियल फेज आए, तो पहली बार कोवेरेंट बॉन्ड को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आज ज्यादा देर पड़ता है। एंड सर बॉन्ड है, अब हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन चूंकि तीन ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके वैलेंस में पांच इलेक्ट्रॉन, तो जब पांच ऑलरेडी वैलेंस है तो सिर्फ तीन ही बॉन्ड बना के ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो नाइट्रोजन तीन ही बॉन्ड बनाएगा, नॉर्मली तीन ही बनाता है। चार जो बनाता है वो रेयर केस है, जब प्लस चार्ज हो, अभी थोड़ी देर पहले NH4 प्लस के, तो उसको भूलिए। अभी आप बोलिएगा नाइट्रोजन की जरूरत तीन बॉन्ड की है, तीन इलेक्ट्रॉन की, तो वो तीन बॉन्ड। अब ऑक्सीजन को दो बॉन्ड चाहिए, हम ये तो बना नहीं सकते हैं बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन फिर पांच बॉन्ड हो जाएगा और नाइट्रोजन पांच बॉन्ड हो नहीं सकता, इसीलिए अब डबल बॉन्ड आप बना नहीं सकते। लेकिन ऑक्सीजन के बाहर में छह है, तो छह है तो उसको दो बॉन्ड बनाना। तो अब अपने पास उपाय है कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट में हम ये भी नहीं कर सकते हैं, तो इस कोऑर्डिनेट को तोड़िए प्लस माइनस, लगाइए प्लस माइनस, ये लीजिए इस पर प्लस, और लेने वाले पर माइनस 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 माइनस। इसके पास छह वैलेंस था ऑलरेडी, एक ऐड होगा तो हो गया सात ना? यस सर, एक निगेटिव, एक बॉन्ड, यस सर, एक बॉन्ड बना लिया, तो फिर बचा वापस छह। अब इसको समझिए, हमारे पास था 2s2 2p4, अब प्लस एक बढ़ गया तो 2p5 हो गया, रे एक बढ़ गया। ये देखो सिचुएशन, तो लोन पेयर ये भी है, लोन पेयर ये भी है, लोन पेयर ये भी है, और यही बॉन्ड बना लिया किससे? सामने वाले एन से, नाइट्रोजन से। और ये एन कनेक्टेड है किससे? तो ट्रिपल बॉन्ड। उम्मीद है अब समझ में आ गया। यस सर, यस सर, यस सर। अब पॉइंट, आप पहले इस बात को समझ गए कि ये कोऑर्डिनेट कर रहा था इसको, जिस पर प्लस और लेने वाले पर माइनस था, ये तो क्लियर है चीज। अब पॉइंट हमारा ये है बेटा, क्या स्ट्रक्चर में कहीं पर बोला हुआ है प्लस या माइनस?
जो आपको बनाने के लिए मिला है N2O, क्या उसमें प्लस दिया हुआ है कहीं? मेरा सवाल फिर से समझिए, जो स्ट्रक्चर दिया है आपको बनाने, क्या उस स्ट्रक्चर में कहीं पर प्लस या हाँ आइए हम ये पूछ रहे हैं आपसे, ये जो N2O है इस स्ट्रक्चर में क्या कहीं पर प्लस या माइनस दिया हुआ है बनाने? नहीं सर, नो सर, नो सर, नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम लोग जो बनाए हैं बेटा, उसमें अपने मन से प्लस और माइनस ले आए, हमारा थियोरेटिकल अप्रोच ऐसा किया है कि वो प्लस माइनस ले आए। प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का लॉस और माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का गेन। अब आप इस प्लस माइनस को मिटा दें, अच्छे से समझ लीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ आराम से समझ लीजिए, आप इस प्लस माइनस को बेटा क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्योंकि स्ट्रक्चर में प्लस माइनस नहीं दिया, अगर दिया रहता तो दिखा सकते, पहली बात। दूसरी बात, क्या अब नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है या नहीं है? लेकिन दिखाएंगे नहीं हम, चार बन है लेकिन हम दिखा नहीं सकते। यस सर, क्योंकि ऑक्सीजन पर भी माइनस है, अवेलेबल है, हम दिखा नहीं सकते। देख बेटा, कर्ज लेना समझते हो, माइनस हुआ कर्ज लेना, अगर माइनस चार्ज चढ़ाए तो क्या हुआ? कर्ज लेना हुआ ना। अगर आप कभी माइनस चार्ज चढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिए, कर्ज लिए, हुआ ना जी? सर रुक जा रहा है वीडियो, सर रुक जा रहा है वीडियो, सर सुन रहा है, रुक जा रहा है। हमने बोला कि कभी अगर आप इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो आप माइनस चार्ज दिखाते हैं ना? यस सर। अब एक बात बताओ, आप कर्ज लेने का प्रोसेस बहुत कॉमन प्रोसेस है, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे से कर्ज लेते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं, कोई ट्रैक्टर खरीदते हैं और लिखते हैं ट्रैक्टर के पीछे, या कोई दुकान खोलते हैं, कोई मॉल खोलते हैं, लिखते हैं वित्तीय प्रदत्त, फाइनेंस्ड बाई, लिखते हैं फाइनेंस्ड बाई कि किसने दिया, तो फलना बैंक लिखा जाता है, कई बार देखे होंगे। और कई बार लेते हैं गाँव घर में ऐसे पैसा ले लेते हो तो आप उसको नहीं दिखाते हैं, दोनों तरह की बात है, सही है कि नहीं है? लेकिन कर्ज तो बेटा दोनों है, तो आप जब नहीं लिखे तब भी पता चल जाता है कि ये कर्ज लिया। कैसे? टोटल जोड़ते हैं, हमारे पास इतना ही था, इतना आ गया, इसका मतलब कर्ज लिए, सीधी सी बात है, लिख दिए तो और अच्छी बात है। तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन छह ही था, आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन छह ही है, और हिसाब कर रहे हैं तो दो दो चार दो छह, एक अपना यहां पर लगाए हैं सात, एक ज्यादा आया है, इसका मतलब है आप दिखाए नहीं है लेकिन आप पर कर्ज लिया हुआ माइनस चार्ज है। क्लियर है? यस सर। यस सर। नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन के पास पांच होता है, आप तीन इधर बना लिए हैं बॉन्ड, तो तीन शेयर किए अपना, आपका तीन था, और एक बॉन्ड इधर बनाए तो एक शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन और चार आपके पास है, एक कहां गया? एक कम है, इसका मतलब आपने दूसरे को दे दिया, आप पर प्लस है छुपा हुआ। समझ में आया? यस यस सर। यस सर। अब देखो, मतलब आपको N2O का यही स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, यही N2O है। अब ये बताओ, क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर है या नहीं है? सर है सर। यस सर है। है सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा। काटते नहीं सर। सर नहीं काटी सर। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर एग्जैक्टली, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा, ये एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्ट्रक्चर हुआ।
आपको आपको बेटा इन चीजों को समझना पड़ेगा कि हम किस समय में कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला सिंबल दिखा सकते हैं और किस समय में नहीं दिखा सकते। जब भी आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल दिखाना चाहते हैं तो उस केस में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पे ले रहा जिधर जा रहा है वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल साफ साफ रहना चाहिए। अगर वहां वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं है तो आप कोऑर्डिनेट का साइन नहीं दे सकते हैं। इन दैट केस आप उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर का सेकेंड जो फॉर्म स्ट्रक्चर है उसको दिखाइए प्लस माइनस वन। ठीक है, तो जैसे यहां पर सामने वाले के पास वैकेंट नहीं है तो प्लस माइनस वाला। अब प्लस माइनस आप क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्योंकि भैया आपको कोई चार्ज दिया नहीं तो आप जबरदस्ती का कैसे प्लस माइनस ला सकते हैं? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, यहाँ पे कुछ भी डाउट है तो कोई चीज डाउट है इसमें नहीं सर। N2O साइक्लिक भी बना सकता है, हम लोग आज इसको यहीं पे बेटा ड्रॉप करते हैं, छोड़ देते हैं। सर N2O साइक्लिक भी बना सकता है, वो लोग कुछ ना रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ कुछ क्या ऑन करके वीडियो वगैरह तो सर डिस्टर्ब हो गई क्लास, N2O साइक्लिक भी बना सकता है। हम इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज देते हैं, ठीक है? करो ना कोवेलेंट बॉन्ड से सर, हैंड रेज करो। ठीक है, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। सर N2O साइक्लिक भी बना पाया सर? क्या बोले बेटा? सर N2O साइक्लिक भी बना सकता है? N2O क्या बना सकता है? साइक्लिक। नहीं आवाज आ रही है सर, बाय N2O साइक्लिक भी बना सकता है। साइक्लिक साइक्लिक ना ना साइकिल नहीं, नहीं, नहीं वो सब हम सिखाएंगे, ऐसे मत बना देना, ये सब मत बना देना। क्यों ऐसा कहीं देख लियो क्या जी? ये सब ट्राय मत करना अभी, क्यों? ये सब आगे एलिवेशन सिखाएंगे तब बताएंगे, अभी नहीं। चलिए अगले क्लास करते हैं, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।